हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। एग्जाम्स की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जून में आपके एग्जाम्स हैं, तो इट्स बेटर कि आप फटाफट जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। और उसी कड़ी में हम आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है जो कि MCO 1 से रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि जी हाँ, नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर MCO 1 टू MCO 7 एंड IBO 1 टू IBO 6। ये मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं नए एडमिशंस की। तो जो MCOM फर्स्ट सेमेस्टर में है, मतलब MCO 1, MCO 4, MCO 5 और MCO 21, ठीक है ना, उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं। MCOM के सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, इवन जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के नोट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे, जो कि है 8101065300। साथ ही साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, 500 पर मंथ आपको जो है फी पे करना है। उसमें से आपको जो है नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और असाइनमेंट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे। इसमें कोई अलग से आपको कोई खर्च जो है पे नहीं करना है। साथ ही साथ जो डेली अपडेट्स होती हैं इग्नू की, जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है अगर आप एग्जाम देने वाले हो, राइट, तो वो सारी चीजें भी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो आज के टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो देखो, थ्योरी ऑफ लर्निंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ थ्योरीज के बारे में बात करनी होगी, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं। आज का हमारा फोकस जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर है, जो कि पैवलोव ने एक तरीके से, आप बोलोगे तो, इसको एक तरीके से क्वाइन किया था या फिर इसको एक तरीके से सामने लाया था लोगों के। तो ये किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम एक एक करके इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, है ना। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है एक तरीके से आपको तैयार करना किसी चीज को लेकर के। और जब वो चीज आपके साथ होती है तो आपको फिर बताना नहीं है कि आपने क्या करना है, आप ऑटोमेटिक उस चीज को करने लगते हो। जैसे कि मैं अपने बेटे को पढ़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं उसको नहीं भी बताऊंगा, फिर भी वो चीज वो खुद से कर लेगा। तो स्टिमुलस का मतलब है कि उसके दिमाग में एक तरीके से जो है आप वो चीज बिठाओगे, है ना, और जब सिचुएशन आएगा तो वो ठीक उसके हिसाब से जो है रिस्पॉन्स करेगा। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द कनेक्शन बिटवीन द अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है ना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक होता है अनकंडीशनड कंडीशनड स्टिमुलस और एक कंडीशनड स्टिमुलस। तो ये दो तरीके से हो सकता है। These two stimuli are paired to elicit the desired responses. अब इसको एक तरीके से पेयर किया जाता है ताकि आपके जो desired responses हैं आप उसको पा सको। Let us take an example. Example के तौर पे यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। Example of food which elicits the response of salivation, ठीक है ना। Salivation के बारे में आपने सुना होगा, काफी important है। जब आप कोई चीज देखते हो, जैसे कि फुचका जो होता है, पानी पूरी जिसे हम कहते हैं, जब हम उसे देखते हैं तो हमारे मुंह से एक तरीके से मुंह में पानी आने लगता है। तो ये क्या होता है, ये सलाइवा जो है ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ये एक तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है उस तरीके से कि ये बहुत टेस्टी है, इस तरीके से चीजें जो है वो होती है। द फूड इज टर्म्ड एज अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड द सेलिवेशन इज नोन एज अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज। अ कंडीशन स्टिमुलस इज अ मेंटल स्टिमुलस दैट डज नॉट इलिसिट द रिस्पॉन्सेज। A response which is elicited by conditioned stimulus is termed as conditioned response, है ना? तो कोई भी response जो कि आपके एक तरीके से conditioned, किसी condition के basis पे जो है आपके stimulus को वो एक तरीके से activate करेगा, है ना? तो उसे हम conditioned कहेंगे। But unconditioned में क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा फूल का salivation है, हाँ, है ना? तो उसमें आपको क्या है कि आपको कोई condition नहीं देना, आपको बस situation वैसा आया और आपने वैसा जो है रिएक्ट किया, When conditioned stimulus is paired with unconditioned stimulus, the conditioned stimulus also starts eliciting the responses, है ना? तो जब दोनों को पेयर कर दिया जाता है तो conditioned stimulus भी जो है responses को देने लगता है। In this process, a stimulus response bond is developed between a conditioned stimulus and a conditioned response through the repeated linking of conditioned stimulus with an unconditioned stimulus. तो यहाँ पे basically जो बात बोली जा रही है वो ये है कि जो conditioned stimulus और जो unconditioned stimulus है, इन दोनों को मिला करके जो elicit response है वो आपको बाहर निकालने की बात की जा रही है, ठीक है ना। कंडीशन और अनकंडीशन के बारे में मैंने बताया। कंडीशन मतलब कोई एक पक्का एक कोई एक शर्त होगा कि ऐसा होगा तो ही फिर कुछ कोई चीजें होंगी। बट अनकंडीशन क्या होता है कि कोई शर्त नहीं है, बस कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण से आप जो है उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो या आपका रिस्पांस जो है उस तरीके का है। अब इसी चीज को एक तरीके से प्रूफ करने के लिए तो जो पैवलोव है उन्होंने डॉग के ऊपर जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया। वो डॉग के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट था मैं आपको
बताता हूँ। ही प्रेजेंटेड द फूड टू द डॉग एंड द डॉग सेलिवेटेड। ठीक है, ये क्या करता है, फूड जो है डॉग को देता है और डॉग जो है वो सेलिवेट करने लगता है। ठीक है ना, जैसे उसको आपने देखा होगा जब उसे भूख लगती है तो है करता है ना। सॉरी ठीक है यार, तो यू नो सेलिवेशन होता है। हियर इज द फूड इज द अनकंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे जो फूड है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है, उसको मतलब वो देख करके ही बस शुरू हो गया है ना, सेलिवेशन जो है उसका स्टार्ट हो गया। एंड द सेलिवेशन ऑफ द डॉग इज द अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स है वो भी अनकंडीशन है, कोई कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है। बट अब देखो यहाँ पे Pavlov used a bell as a conditioned stimulus. अब Pavlov ने क्या किया कि एक बेल लगा दिया कि भाई ये बेल बजाएंगे तो उसको खाना देंगे। तो उसको क्या होगा, पहले पता चल जाएगा कि भाई बेल बजा है तो खाना तो मुझे मिल ही जाएगा, तो वो तुरंत जाकर के गेट के पास जो है खड़ा हो जाएगा कि मुझे जो है खाना मिलने वाला है, पूंछ अपनी हिलाने लगेगा। बट आप उसको जब खाना नहीं दोगे तो फिर उसको लगेगा कि नहीं भाई ये तो कुछ और ही है। तो कंडीशन मतलब आपने कंडीशन लगा दिया कि भाई बेल बजेगा तो, और अनकंडीशन मतलब बस खाना देखते ही वो जो है लार टपकाना स्टार्ट कर देता है। ओके, so when he rang the bell, dog did not anything. जब पहली बार उसने rang bell को बजाया तो dog ने जो है किसी भी तरह का कोई reaction नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि dog food का bell के साथ कोई लेना देना नहीं है। Now Pavlov started pairing of the conditioned stimulus with the unconditioned stimulus. अब देखो दोनों चीजें अलग अलग थी है ना, जब खाना दिया गया तो वो सेलिब्रेट कर गया, इसका मतलब क्या है कि वो अनकंडीशन स्टिमुलस था। कंडीशन स्टिमुलस के हिसाब से उसने बेल का इस्तेमाल किया पर वो सेलिब्रेट नहीं किया, पर वो उस तरीके से नहीं सोचा। अब पैवलोव महाशय ने क्या किया कि दोनों को ऐड कर दिया, कंडीशन और अनकंडीशन को दोनों को मिला दिया है ना, बेल के साथ उसने जो है खाना देना स्टार्ट किया जैसा कि मैंने बताया। ठीक है ना, ही प्रेजेंटेड द फूड टू द डॉग, इसको मैं थोड़ा कलर कर लेता हूँ ना, अच्छा रहेगा, हाईलाइट करता हूँ। ही प्रेजेंटेड द फूड टू द डॉग एंड रंग द बेल। वो जो है खाना डॉग को देता है और घंटी को बजाता है। These were repeated several times. और ये जो है बार बार उसने ऐसा किया। After some time, he found that the bell also elicited the same response as the food. कुछ टाइम बाद उसको ये पता चला कि जिस तरीके से खाना उसको सेलिब्रेट कर रहा था, उसके रिस्पॉन्स को इलिसिट कर रहा था, उसी तरीके से जो बेल का बजना है अब वो भी जो है एक तरीके से इलिसिट होने लगा। तो ये कितना मतलब भाई Pavlov भाई साहब का दिमाग बहुत है यार, मतलब क्या बोलूं मैं, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो बेल की बात सुनकर के भी अब वो सेलिब्रेट करने लगा, कुत्ता जो है हमारा डॉगी जो है वो सेलिब्रेट करने लगा। वो खाना अभी तक देखा नहीं है, उसको चूंकि पता है कि बेल बजते ही खाना मिलेगा, तो बेल बजते ही उसका जो है सेलिब्रेशन जो है स्टार्ट हो गया है ना। सेलिब्रेशन इवन व्हेन द अनकंडीशन्ड स्टिमुलस फूड वाज नॉट प्रेजेंट। वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि कुछ टाइम के बाद देखा गया कि बेल जो है वो एक तरीके से फूड की तरह काम कर रहा है, मतलब फूड आया नहीं है फिर भी उसको जो है महसूस हो जा रहा है कि भाई बेल बजाए तो खाना तो आ ही जाएगा, तो वो एक तरीके से उसके ये को बढ़ा दे रहा है, उसके रिस्पांस को एक तरीके से डिफरेंट कर दे रहा है। तो हियर द कंडीशन स्टिमुलस इलिसिट द रिस्पांस ऑफ सेलिब्रेशन इवन व्हेन द अनकंडीशन स्टिमुलस वाज नॉट प्रेजेंट। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या था, बेल था, अनकंडीशन क्या था, फूड था। तो अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं होने के कारण भी कंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो है वो रिस्पॉन्स उस तरीके का देता है, जबकि अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड है वो अवेलेबल है ही नहीं। He rings the bell and the dog salivates without the presentation of food as well. वो वापस से बेल बजाता है और डॉग जो है वापस से सेलिवेट करने लगता है फूड के बिना आए भी। पहले क्या था, फूड देखता था तो करता था, अभी बिना फूड के भी कर रहा है। Thus, dog learned the ringing of the bell with the salivation. तो डॉग जो है सीख गया था कि अनकंडीशन और जो कंडीशनड है दोनों के एक तरीके से मिला करके वो जो है चीजें हो रही हैं। तो डॉग लाइक डॉग को सिखा दी गई थी ये चीज, डॉग ने कुछ नहीं सीखा था भाई, वो कहां से सीखेगा, वो इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं। The focus of this theory is building up an association between the unconditioned stimulus and the conditioned stimulus. तो ये जो थ्योरी एक तरीके से बिल्डअप करता है ये दोनों में रिलेशनशिप बिटवीन द अनकंडीशन एंड कंडीशन स्टिमुलस, एक एसोसिएशन जो है बिल्डअप करता है। The training of airplane pilot regarding the use of newly installed warning system is a good example of classical conditioning. ठीक है, अब आपने एयरप्लेन के पायलट को एक तरीके से ट्रेनिंग दी कि भाई कोई एक नया जो है डिवाइस हम इंस्टॉल करने वाले हैं, एक वार्निंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने वाले हैं प्लेन में, तो ये एक अच्छा थ्योरी एक एग्जांपल हो सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्यों, देखो इन दिस ट्रेनिंग व्हेनेवर द प्लेन ड्रॉप्स बिलो क्रिटिकल एल्टीट्यूड्स द वार्निंग लाइट इज शोन एंड द पायलट इंक्रीजेस द प्लेन्स एल्टीट्यूड। इसमें क्या हो रहा है, इस ट्रेनिंग में यह दिखाया गया कि जैसे ही प्लेन का जो देखो प्लेन जो उड़ता है ना उसका एक एल्टीट्यूड होता है, उसकी एक ऊंचाई होती है, जिस ऊंचाई के तहत ही उसको उड़ना होता है, वो नीचे नहीं आ सकता है ना, नीचे से वो ऊपर गया, ऊपर जब वो पहुंच गया तो उसको एक एल्टीट्यूड में ही उड़ना है, वो उससे नीचे आएगा ना, जैसे सपोज 30,000 फीट पे उड़ रहा है, वो जैसे ही 20,000 फीट पे आ जाएगा ना तो बेल बजने लगेगा, जो वार्निंग सिस्टम है वो बजने लगेगा कि आपका जो एल्टीट्यूड है वो काफी लो है, आप उसको ऊंचा लेकर के जाओ। ठीक है ना,
तो ये यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि ट्रेनिंग में ये सिखाया गया कि जैसे ही वो बिलो होगा तो बेल जो है वो बजने लगेगा, है ना। तो वही है, देयर आर द प्लेन ड्रॉप्स द क्रिटिकल एटीट्यूड द वार्निंग लाइट इज शोन एंड द पायलट इंक्रीजेस द प्लेन्स एटीट्यूड। जैसे ही लाइट बजता है, लाइट आता है, वे क्या करता है, उसके एटीट्यूड को बढ़ा देता है। ओवर द पीरियड द पायलट लर्न टू एडजस्ट द प्लेन्स एटीट्यूड इन रिस्पॉन्स टू द वार्निंग लाइट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेनर। तो अब जो है ट्रेनर की उसकी आवश्यकता नहीं है, है ना, बिना ट्रेनर के भी जो है वो जैसे ही वैसा वार्निंग लाइट आएगा तो वो अपने एल्टीट्यूड को बढ़ा लेगा। पहले ट्रेनर भी था, वो वार्निंग वाला भी था, लेकिन जैसे जैसे उसको आदत पड़ गई उसको अब ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है, वो बस एल्टीट्यूड जो उसका लाइट है उसको देख करके वो चीजें जो है समझ जा रहा है। समझ रहे हो आप। लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी कर लेते हैं। दिस थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कंसीडर्स अ लर्नर एज अ पैसिव एलिमेंट। अब इस थ्योरी को एक तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया है बाय द डिफरेंट पीपल्स, है ना, क्योंकि उनका कहना है कि ये पैसिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट नहीं है। द लर्नर नोटिसेस द कनेक्शन बिटवीन द अनकंडीशन स्टिमुलस एंड द कंडीशन स्टिमुलस एंड फॉर्म्स एन एसोसिएशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लर्नर जो है एक तरीके से नोटिस कर रहा है कि दोनों के बीच में क्या कंडीशन है, आई मीन क्या कनेक्शन है बिटवीन द अनकंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस। अनदर नोटिसेबल पॉइंट इज दैट इट एक्सप्लेन्स द सिंपल रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, ठीक है ना। एक और नोटिसेबल पॉइंट यहाँ पे जो बताई गई वो ये है कि एक तरीके से जो सिंपल रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है वो यहाँ पे एक तरीके से उजागर किया गया है कि आपका जो बिहेवियर किस तरीके से होगा अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर नॉट पैसिव, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो पीपल होते हैं वो पैसिव नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको कोई समझ नहीं है, उनको कोई सूझबूझ नहीं है उनकी, वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा जो है काम करें। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूटिंग देयर बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर को यू नो काफी इन्वॉल्व होते हैं अपने बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने में। मोर ओवर बिहेवियर्स आर ऑल्सो नॉट इलिसिटेड, बिहेवियर जो होता है वो भी इलिसिटेड एक तरीके से नहीं होता है, है ना, दे आर एमिटेड। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग है बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक बंदे का बिहेवियर अगर कुछ है तो आप उसको तुरंत में बदलाव नहीं ला सकते, है ना। तो जो बिहेवियर होगा ना वो झलकेगा, वो एमिट करेगा, आपका जो पर्सनालिटी है आपका जो तरीका है उसे वो एक तरीके से एमिट करेगा, है ना, उसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। हाँ ट्रेनिंग के साथ आप उसमें थोड़े बहुत बदलाव ला सकते हैं बट ओवरऑल जो आपका एक तरीके से बिहेवियर होगा वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाएगा। दीज बिहेवियर्स आर अंडर वर्कर्स कंट्रोल। अब जो ये बिहेवियर होता है वो भी आपके वर्कर के कंट्रोल में होता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, बट स्टिल वो चीजें जो है आपको समझ में आएंगी। Despite these limitations, the principle of association as an important phenomenon of learning can't be undermined. ठीक है ना? तो इन सारे limitations होने के बावजूद भी जो principle of association है, जहाँ पे हम लोगों ने you know condition और unconditioned को मिलाया, ये जो important phenomenon है, इसको आप undermined भी नहीं कर सकते कि भाई ऐसा होता है और ऐसा exist करता है, है ना? ये organization में अगर इसको apply किया जाए तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, है ना। तो इसको भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। कॉल करें हमें, व्हाट्सएप करें हमारे फोन नंबर पे जो कि 8101065300। ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स लेने के लिए और फ्री असाइनमेंट्स लेने के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चीजें जो है 500 पर मंथ के बेसिस पे आपको अवेलेबल होंगी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप करते हैं तो। और अगर आप यू नो डायरेक्टली नोट्स खरीदते हैं तो उसमें जो है आपको प्राइसेस जो है और कम हो जाएंगी, है ना। डायरेक्टली अगर आप नोट्स लेंगे तो भी पॉसिबल है, वहां पे प्राइसेस जो है कम होंगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और नोट्स के साथ फ्री असाइनमेंट्स लेते हैं तो जैसे आप ट्यूशंस करते हैं वैसे ही आपको जो है 500 पर मंथ के लिए पे करना है। और इस पे किसी भी तरह का कोई सब्जेक्ट बाउंडेशन नहीं है, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कराऊंगा सिर्फ 500 पर मंथ में, जो कि बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और केयर और शेयर करें, मैं केयर करें बोर खाता भाई, तो केयर कर लो यार, इसको शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।